नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का क्या राज है? तो ये राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना क्यों है। क्या वो क्यों वाला कारण आपका पैसिव इनकम लेने से रिलेटेड है कि आपकी एक टीम बनने के बाद आपको एक पैसिव इनकम आने लग जाए, या आपका वो क्यों रीज़न ये है कि आपको एक बड़ा इंसेंटिव मिल रहा है किसी एक पर्सन की ज्वाइनिंग पे, या वो आपका वो रीज़न है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सके, उस लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, या फिर आप अपने लिए, अपने नॉमिनी के लिए एक ऐसा बिजनेस छोड़ कर जाओ जब आप इस दुनिया में ना रहो तब भी उनको इनकम आती रहे, या फिर ऐसा कोई एक बड़ा रीज़न कि आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या फिर कुछ और लेना है जिसे आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो ऐसा क्या कारण है, अपना वाई रीज़न क्या है। वो एक वाई रीज़न ही आपको इस फील्ड में काम करने का मौका देगा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में सफल होने का यही राज है कि आपको आपका क्यों पता होना चाहिए, वाई रीज़न पता होना चाहिए कि ये मुझे क्यों करना है। ये आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है, या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए है, या पैसिव इनकम सोर्स के लिए है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है, या अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा बिजनेस खड़ा करके जाना है। ऐसा क्या रीज़न है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने को मोटिवेट करता है, एक्साइटेड करता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको आपका वाई रीज़न लिखना है कि मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी भी कंपनी में चालू किया तो वो मैंने क्यों किया, ये आपका क्यों ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनाएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों रीज़न जानने के बाद आपको कैसे शुरुआत करनी है, क्यों के बाद आप कैसे पर जाओगे। धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप शुरुआत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो शुरुआत करने से पहले जिस दिन पहला दिन है आपका, उस दिन एक ज़रूर सवाल पूछिए कि ये मुझे क्यों करना है, और उस सवाल का आंसर उसी दिन एक ऐसी जगह लिख कर रख दीजिए, जब भी आप डीमोटिवेट हो या भटक जाओ तो आपने उस जवाब को पढ़ लेना कि ये बिज़नेस मैंने क्यों स्टार्ट किया है। आपको समझ आ जाएगा कि ये मुझे तब तक कंटिन्यू रखना है ये बिज़नेस जब तक मेरे ये सपने, मेरे ये क्यों रीज़न इस बिज़नेस से पूरे होने लग जाएं। तो ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। आशा है आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए इतना बड़ा क्या राज है, वो राज आप ही के पास है। थैंक यू सो मच।